राजस्थान की सियासत में कमल तो खिला लेकिन भगवा के परचम को शायद भाजपा ने भुला दिया है इस बार चुनाव जीतकर तीन संत शिरोमणि विधानसभा तक पहुंचे लेकिन सीएम चयन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक उनकी अनदेखी की गई है अब हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर भाजपा ने यह जो फतेह हासिल की है इसमें सुर्ख भगवा रंग कहीं ना कहीं गुमसा नजर आ रहा है जिसकी अनदेखी लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है नमस्कार मैं हूँ विजय वर्मा पावर पॉलिटिक्स में आज हम बात करेंगे चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे तीन भगवादारी संतों की जिन्हें भाजपा ने सरकार में शामिल न करके कई सवाल खड़े कर दिए हैं दरअसल भाजपा ने इस बार के विधानसभा चुनावों में खालिश हिंदुत्व कार्ड खेला जनावाम की भावनाओं को टटोल कर भगवा चोले पर वोट मांगे गए और वोट भी इतने सारे मिले कि भाजपा ने बहुमत के साथ डंके की चोट पर सरकार बनाई अब बारी आई सीएम चुनने की सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा महंत बालकनाथ का नाम ट्रेंड करने लगा किसी से पूछा जाता कि सीएम कौन बनेगा तो ज्यादातर की जुबान पर एक ही नाम बस महंत बालकनाथ लेकिन भजन शर्मा को बीजेपी ने राजस्थान का नया सीएम बना दिया अब पूर्व लोकसभा सांसद और तिजारा से मौजूदा विधायक बाबा बालकनाथ के समर्थक इस बात को लेकर भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं नाराजगी की वजह पार्टी की ओर से बाबा की अनदेखी को माना जा रहा है बालकनाथ के समर्थकों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व की अनदेखी से बाबा बालकनाथ भी कुछ समय से असहज महसूस कर रहे हैं दरअसल बाबा बालकनाथ के विधानसभा चुनाव में एंट्री के बाद से ही चर्चाएं थी कि अब राजस्थान को भी यूपी की तरह ही भगवाधारी मुख्यमंत्री मिलेगा बाबा बालकनाथ में भी उनके समर्थक यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि देख रहे थे इसकी एक वजह और भी है दरअसल बाबा बालकनाथ हमेशा पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं कांग्रेस के फैसलों के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर भी देखे जाते रहे हैं लेकिन बाबा बालकनाथ इन दिनों शांत बैठे हैं इस वक्त को जरा याद कीजिए जब विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे देश का मीडिया मुख्यमंत्री पद के दाव, दावेदारों में बाबा बालकनाथ को सबसे आगे बता रहा था पार्टी के सबसे ज्यादा संभावित सीएम चेहरों में बाबा बालकनाथ का नाम था जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पंडित बाबा बालकनाथ को ही राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री मान रहे थे लेकिन 12 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री नाम का ऐलान हुआ तो बाबा सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता हैरान रह गए यही नहीं मुख्यमंत्री तय होने के 17 दिन बाद जब 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हुआ भजनलाल के 22 मंत्रियों में भी बाबा बालकनाथ को शामिल नहीं किया गया सीएम पद के दावेदार बाबा को मंत्री भी नहीं बनाए जाने से बाबा के समर्थक भाजपा से काफी नाराज है जबकि उस वक्त भी चर्चाएं यह थी कि राजस्थान का गृहमंत्री तो कम से कम बाबा बालकनाथ को बनाया ही जाएगा इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चार संतों को टिकट दिया था और चारों ने ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी लेकिन चार में से तीन संत हिंदुवादी बड़े जो चेहरे थे इनमें तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ हवा महल विधायक बाल मुकंदाचार्य और पोकरण से विधायक प्रतापपुरी महाराज शामिल है इन तीनों हिंदुवादी चेहरों की भाजपा ने अनदेखी की है केवल देवासी समाज के धर्मगुरु गुरु औटाराम देवासी को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था जो पिछली वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं तीन बड़े हिंदूवादी चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर रखने से संत समाज में अब नाराजगी है बाबा बालकनाथ के समर्थक उनमें योगी आदित्यनाथ की छवि देखते हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि स्पष्टवादिता और आक्रामक है वही रूप बाबा बालकनाथ में देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले बाबा बालकनाथ के तेवर काफी तीखे रहे वे कांग्रेस के खिलाफ सियासी हमला करने में काफी आक्रामक रहे योगी रूपी बाबा बालकनाथ को दरकिनार करने से समर्थकों के दिलों से बीजेपी के प्रति विश्वास कहीं ना कहीं उठता जा रहा है अब चर्चाएं ये हैं कि देश में चार महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं ऐसे में बाबा बालकनाथ और अन्य हिंदूवादी चेहरों को अनदेखा करना भाजपा को कहीं भारी ना पड़ सक पड़ जाए एक बात और बाबा बालकनाथ ने लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी उधर तिजारा सीट पिछली बार बसपा की झोली में थी इस बार भी बसपा से बसपा ने मजबूत उम्मीदवार इमरान खान को टिकट दिया था जिसे कांग्रेस ने बाद में टिकट देकर अपना प्रत्याशी बना लिया मुश्किल समीकरणों के बावजूद भी बाबा वालख ना तिजारा की सीट निकाल लाए बाबा के समर्थकों ने भरपूर साथ देकर बीजेपी के खाते में एक सीट बढ़ाई लेकिन पार्टी ने बाबा को इग्नोर करके समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया अनदेखी से नाराज परेशान आ, बाबा बालकनाथ समर्थक खेल बदल रह सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में उधर बाबा बालकनाथ के साथ ही महंत बाल मुकुंदाचार्य और महंत प्रतापपुरी भी हिंदुत्व के साथ ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं लेकिन उन्हें भी पार्टी ने इग्नोर किया चलिए आज के लिए बस इतना ही दीजिए इजाज़त नमस्कार